नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश प्रदेश और दुनिया की कुछ खास खबरें। राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में गर्मी को छुट्टियों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। फैसले के तहत सोमवार 2 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। तो पुणे में 42 साल की महिला का बेरहमी से की गई हत्या में पुलिस ने सनसनीखेज दावा किया है। वहीं नासिक की फैक्ट्री से बाहर भेजे जा रहे 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटना ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल या निशान लगा दिए है। उधर भाजपा नेता किरण सोमैया व उनके पुत्र नील सोमैया के फरार होने की चर्चा तेज है। गृह विभाग की माने तो पुलिस केस दर्ज होने के बाद से दोनों मिल नहीं रहे हैं। इस बीच रामनवमी पर जेएनयू कैंपस में हुए संघर्ष व अन्य घटनाओं को लेकर शिवसेना ने अपना मुखपत्र सामना में भाजपा पर तंज कसा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जाने बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 मई से शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में गर्मी को छुट्टियों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। फैसले के तहत सोमवार 2 मई 2022 से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। सत्र 2022-23 में 12 जून 2022 तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जारी रहेगी। छुट्टियों के बाद स्कूल 13 जून से शुरू होंगे, मगर जून के महीने में विदर्भ में भारी गर्मी की आशंका को देखते हुए गर्मी की छुट्टी 26 जून तक घोषित की गई है। इस क्षेत्र में स्कूल 27 जून 2022 से शुरू होंगे। स्कूलों में कक्षा पहली से नवीं और ग्यारहवीं के परिणाम का प्रकाशन 30 अप्रैल को होगा। इस संबंध में स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया है। संबंधित स्कूलों की जिम्मेदारी दी है कि वे छात्रों या अभिभावकों को रिजल्ट के बारे में बताएंगे। इस बीच सरकार ने गर्मी की छुट्टी को कम करने के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया है। महाराष्ट्र माध्यमिक विद्यालय संहिता के तहत साफ किया गया है कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान छुट्टियों की कुल संख्या 76 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र में जून के दूसरे और चौथे सोमवार के दौरान सार्वजनिक अवकाश है। इसको ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का निर्धारण किया गया है। दरअसल इस बार सरकार के सामने 2 प्रमुख मुद्दे थे। एक तो पढ़ाई में आए व्यवधान को कैसे दूर किया जाए और दूसरे यह कि गर्मी को देखते हुए छात्रों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मंथन के बाद तय किया गया कि बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि गर्मी अभी से ही अपने तेवर दिखा रही है, इसलिए प्राथमिकता जान बचाने की ही होनी चाहिए। पुणे में हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह एक 40 साल के व्यक्ति ने 42 साल की महिला का बेरहमी से मर्डर किया है। आरोपी ने महिला की हत्या करके उसका सामान भी लूट लिया। अब पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हत्या और लूट की इस वारदात को अंजाम देने से पहले 3 महीने तक इसका प्लान बनाया था। इसके लिए उसने टीवी पर एक क्राइम सीरीज भी देखी थी। उसे मारने के बाद आरोपी ने महिला के पास से कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस को हड़पसर के वैदुवाड़ी इलाके में रविवार को महिला का शव मिला था। वह घरों में काम करती थी। पुलिस के अनुसार 40 साल के आरोपी ने महिला को मारने के लिए पहले उसे नींद की गोलियां मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर उसके सिर पर कई बार किए। पुलिस के अनुसार महिला के गहने, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड गायब थे। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या लूट के इरादे से की गई है। इसके बाद पुणे पुलिस और हड़पसर पुलिस ने मिलकर संयुक्त जांच शुरू की। इसमें महिला का फोन 40 साल के आरोपी किरण जगताप के पास मौजूद होने की पुष्टि हुई। वह पुरंदर में रहता है। जांच में यह भी पता चला कि जगताप वारदात के समय मौके पर भी मौजूद था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसके पास से महिला के एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2009 से ही पीड़िता से परिचित है। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। अपराध पर एक टीवी सीरीज से आइडिया लेते हुए उसने पिछले 3 महीनों में पीड़िता को मारने और लूटने की योजना बनाई। 9 अप्रैल की रात वह महिला से मिलने गया था। उससे बात करते हुए उसने नींद की गोलियों से भरी कोल्ड ड्रिंक उसे पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो उसने सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी और कीमती सामान लूट लिया। 3 दिन पहले 9 अप्रैल को घटित घटना ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। नासिक की फैक्ट्री से 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाहर भेजे जा रहे थे, अचानक उनमें आग लग गई। इन स्कूटर्स को जितेंद्र ईवी नामक कंपनी ने बनाया था। माना जा रहा है कि देश में यह इस तरह का पहला बड़ा मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगी है। जितेंद्र ईवी ने भी इस आग की घटना की पुष्टि की है। उसका कहना है कि इस घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि घटना फैक्ट्री के गेट के पास हुई थी। हालांकि इस आग की घटना पर हमारी टीम ने तुरंत ही काबू पा लिया था। हम मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगी। जल्द ही हम जांच नतीजों के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग की इस घटना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी काफी गंभीर है।
मंत्रालय कंपनी के प्रतिनिधियों से घटना की जांच रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगने की यह कम से कम 5वीं घटना है। पिछले महीने पुणे में एक व्यावसायिक क्षेत्र की सड़क के किनारे खड़े एक ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। एक और ऐसी घटना ओकिनावा द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हुई थी। केंद्रीय मंत्रालय ने इन घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इकाई सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी से एक टीम गठित करके इन सभी घटनाओं की जांच करने को कहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया व उनके पुत्र नील सोमैया के फरार होने की चर्चा तेज है। गृह विभाग की माने तो पुलिस केस दर्ज होने के बाद से दोनों मिल नहीं रहे हैं। नौसेना से रिटायर हो चुके INS विक्रांत को बचाने के लिए चंदा जुटाने व उसके कथित धांधली को लेकर मुंबई पुलिस ने सोमैया पिता पुत्र के खिलाफ हाल ही में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह केस एक पूर्व सैन्यकर्मी व अन्य ने दर्ज कराया है। इससे पूर्व शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया ने इसे देशव्यापी चंदा अभियान में 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस चंदा अभियान का मकसद नौसेना की युद्धपोत विक्रांत को संग्रहालय का रूप देने व उसे भंगार बनाने से बचाना था। राउत का आरोप है कि सेव विक्रांत अभियान के अगुआ सोमैया थे। जुटाया गया 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया। मामले में सोमैया पिता पुत्र को जेल जाना पड़ेगा। उधर पूर्व सांसद सोमैया ने इस मामले में किसी घोटाले से साफ इनकार करते हुए कहा है कि विक्रांत को बचाने के अभियान में 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं हुई है। बहरहाल शिवसेना भाजपा के बीच जारी सियासी व कानूनी दावपेच में सोमैया उलझ गए हैं। उन्हें पुलिस या अदालत के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना होगा। इसके बाद ही धोखाधड़ी के आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। पुलिस को अभी तक उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया गया था कि वह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाने वाले हैं। रामनवमी पर JNU कैंपस में हुए संघर्ष व अन्य घटनाओं को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर तंज किया है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नव हिंदुत्व के समर्थक देश में विभाजन पूर्व के हालात पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया है कि यदि मुंबई में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने से चीन की सेना पीछे हटती है तो यह खुशी की बात होगी। सामना में आरोप लगाया गया है कि भगवा दल यह झूठ फैला रहा है कि JNU में हिंसा वाम दलों के विद्यार्थियों द्वारा रामनवमी पूजा के विरोध के कारण हुई। यह भी दावा किया गया है कि JNU में हिंसा रामनवमी पर गैर मांसाहारी विद्यार्थियों को मांसाहार परोसने का लेकर हुई, लेकिन भाजपा के लोग भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं। राम को इस विवाद में घसीटा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वाम समर्थक विद्यार्थी रामनवमी पर पूजा का विरोध कर रहे थे। यह आरोप झूठा है। सलाह देते हुए कहा गया है कि धार्मिक व राजनीतिक मुद्दे स्कूलों व कॉलेजों में नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन इन दिनों भाजपा के नव हिंदुत्व के अनुयायी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया कि मुस्लिम कारोबारी मंदिरों में पूजा का सामान बेचते हैं। यह सहिष्णुता की एक मिसाल है। उधर मुंबई पुलिस ने रामनवमी के अवसर पर शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में मनसे नेता यशवंत किल्लेदार व एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घरों को जमींदोज करने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शिवराज सिंह सत्ता के नशे में है, पर वे न भूले कि आज उनकी सरकार है कल नहीं रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान के दौरान हिंसा भड़क उठी, कई लोग घायल हुए तो झारखंड में देवघर से सटे पर्यटन स्थल त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे का रेस्क्यू मिशन पूरा नहीं हुआ, दो ट्रॉलियों में 10 सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में 3 स्कूलों में 3 शिक्षक सहित कुल 21 नए संक्रमितों की पुष्टि के बाद कोरोना का भय फिर से सताने लगा है। इस बीच केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार उनकी उस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है जिसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात कही है। देश के इन 5 प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीतिक टिप्पणियों की शुरुआत हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर हुई कार्रवाई को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को भूलना नहीं चाहिए, वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। प्रदेश की जनता के जानमाल की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता के नशे में चूर होकर वे गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून पर भीड़ तंत्र हावी है। शिवराज सिंह की मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले करने की विचारधारा सही नहीं है। वे न भूले कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। प्रदेश के पूर्व CM और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी आरोपियों के घर जमींदोज करने को लेकर CM से सवाल किए हैं। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लिखा है कि क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है? यदि आपको गैरकानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात तो न करें। बता दें कि अभी तक इस उपद्रव में शामिल आरोपियों के करीब 45 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान के दौरान हिंसा भड़क उठी, जमकर लाठियां भांजी गई, कई लोग घायल हो गए। यहां 8 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और उसके मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल में भाजपा के अग्निमित्र पॉल के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, जो पहले भाजपा और कांग्रेस में थे। बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़कर TMC में शामिल होने के बाद आसनसोल के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उपचुनाव जरूरी होगा था। बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो CPM उम्मीदवार सायरा हलीम शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने आरोप लगाया कि TMC के लोगों ने हम पर हमला किया, काफिले पर पथराव किया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पॉल ने यह भी आरोप लगाया कि TMC के लोगों ने हमारे सुरक्षा कर्मी को बांस के डंडों से पीटा। ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा यहाँ जीत रही है। बाराबोनी के बूथ संख्या 175 और 176 में मतदान के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल को बूथ छोड़ने के लिए कहा गया। वहां जमा हुए कुछ लोगों ने उनके साथ एक स्थानीय भाजपा नेता अरिजीत रॉय की मौजूदगी पर सवाल उठाया। बाबुल सुप्रियो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेंट्रल फोर्स का रवैया सही नहीं है, मुझे साउथ पोर्ट स्कूल के बूथ में घुसने नहीं दिया गया। झारखंड में देवघर से सटे पर्यटन स्थल त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे का रेस्क्यू मिशन पूरा नहीं हुआ है। 2 ट्रॉलियों में 10 सैलानी अब भी फंसे हुए हैं। उन्होंने दूसरी रात भी हवा में काटी। इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के अलावा NDRF और ITBP के जवान भी जुटे हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे सैलानियों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें की जा रही है। ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब 2 ट्रॉलियों में फंसे 10 लोगों का ही रेस्क्यू बाकी रह गया है। दुखद रूप से रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति नीचे जा गिरा था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल रविवार की शाम पश्चिम बंगाल के मालदा, असम के कोकराझार समेत देवघर और गिरिडीह जिले के पर्यटक त्रिकुट पर्वत घूमने आए थे, जहां रोपवे की 26 ट्रॉलियों में सवार होकर कुल 48 सैलानी पर्वत की चोटी तक पहुंचे। माहौल बड़ा खुशनुमा था, मोबाइल और कैमरे में खुद को कैद कर रहे थे। घटना में बाल बाल बचे एक पर्यटक ने बताया कि ट्रॉली नीचे आने के क्रम में अचानक डोलने लगी और तार से टूटकर नीचे लटक गई। इसके बाद सभी सैलानी हवा में ही लटक गए। 10 सैलानियों को बचाने के साथ ही सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट की आहट के बीच भारत में भी एक बार फिर से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। 2 साल तक बंद रहने के बाद फिर से खुले स्कूलों में इसका असर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में 3 स्कूलों में अब तक 3 टीचर्स सहित कुल 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में 2 निजी स्कूलों के 5 छात्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं नोएडा के एक स्कूल से कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 टीचर भी शामिल है। स्कूलों ने वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एहतियाती कदम के रूप में 3 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने की घोषणा की है, जबकि उसके बाद स्कूल की छुट्टियां है, इसलिए स्कूल 19 अप्रैल से खुलेंगे। वहीं नोएडा के एक स्कूल में 1 सप्ताह तक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होगी।
कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने से प्रदेश सरकार ने अधिकतर पाबंदियां हटा दी है। इसके साथ ही स्कूल भी खुल गए हैं। ऐसे में स्कूली छात्रों में कोरोना फैलने की खबर से बच्चों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी है। देश भर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि यह मरीज घर पर रहकर इलाज करने से ठीक हो रहे हैं। फिर भी स्कूल प्रबंधक व अभिभावकों के लिए चिंता बनी हुई है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने के बाद केंद्र सरकार अब एक और तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की उस मांग पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात है। कर्मचारियों को हाल में ही महंगाई भत्ते का तोहफा मिला है, जो 31% बढ़कर 34% हो गया है। अब कर्मचारी यूनियन न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 26,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए जून 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दी थी। इसके लिए 34 तरह के संशोधन भी किए गए थे। बदलाव के तहत 7,000 रुपये के न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 18,000 किया गया था। वहीं उच्चतम स्तर यानी सचिव के बेसिक वेतन को 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। सरकार अगर कर्मचारियों की मांग के अनुरूप उनके बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये पहुँच जाएगा। इस तरह सिर्फ बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा होगा। अब इसमें मौजूदा फिटमेंट फैक्ट के बजाय नया फिटमेंट फैक्टर लगाने की भी मांग हो रही है। सरकार अगर बेसिक सैलरी बढ़ाने के साथ फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले में भी मांग के अनुरूप बदलाव करती है तो कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त बड़ा इजाफा हो जाएगा। अभी फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला 2.57 गुना पर तय किया जाता है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद यह 3.68 गुना पर होगा। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। यूक्रेन को लेकर भारत और अमेरिका संबंधों में आई खटास और बढ़ती जा रही है। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत की आलोचना का करारा जवाब दिया है। वही चीन ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को हटाए जाने के कारण उनके संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग रोकने और सेना की वापसी के लिए रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इसके लिए विश्व बिरादरी की मदद की दरकार है। इस बीच CBI ने नीरव मोदी के अहम सहयोगी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई वापस लाने में सफलता हासिल की है। दुनिया भर में मची हलचल के बीच इन 5 प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेन को लेकर भारत और अमेरिका संबंधों में आई खटास के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वह भारत में मानवाधिकारों के बढ़ते उल्लंघन की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत को मानवाधिकारों के मुद्दों पर सीधे सीधे चेतावनी देने का यह अपने आप में दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने मोदी सरकार की मुस्लिमों के मानवाधिकारों को लेकर नीति की कड़ी आलोचना की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम भारत में कुछ चिंताजनक घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने की बढ़ती घटनाएं शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब रूस को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में तल्खी चल रही है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें पुलिस द्वारा हत्याओं समेत अवैध कत्ल, कुछ पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करना, क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या सजा के मामले, सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारियां और कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदी से जुड़े मामले प्रमुख है।
यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की आलोचना का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप रूस से हमारे तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारी तेल खरीद जितनी एक महीने में होती है उतना यूरोपीय देश तो एक दिन में, वह भी दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। गौरतलब है कि बाइडेन ने कल पीएम मोदी से भी कहा था कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। ऊर्जा आयात में और विविधता लाने के लिए अमेरिका भारत की मदद करने को तैयार है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 1-2% तेल रूस से जबकि 10% तेल अमेरिका से आयात करता है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है। बातचीत में बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के अस्थिर करने वाले प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिका और भारत सलाह मशविरा करना जारी रखेंगे। वहीं मोदी ने संकट के समाधान के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच सीधी वार्ता की जरूरत पर बल दिया। मोदी ने बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्या की हालिया खबरों को बहुत चिंताजनक बताया और कहा कि भारत ने तुरंत इसकी निंदा की तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों के साथ फोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान में सत्ता बदलाव के बाद चीन ने अपना रुख साफ कर दिया है। चीन ने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को हटाए जाने के कारण राजनीतिक परिवर्तन से संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियांग ने कहा कि एक करीबी पड़ोसी और दोस्त के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में सभी पार्टियां एकजुटता बनाए रखेगी, अपने देश में स्थिरता और विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करेगी। चीन पाकिस्तान के प्रति हमारी दोस्ताना नीति का दृढ़ता से पालन करेगा और हम ऐसा नहीं मानते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा। इमरान खान के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी सरकार को हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, झाओ ने कहा कि चीन बाहरी ताकतों द्वारा किसी भी अन्य देश में हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की चुनौती है। इमरान खान के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हुए हैं। भारत ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद को बंद किए बिना किसी भी मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने अफगानिस्तान को अपना हमसाया मुल्क करार देकर चीन के सामने भी एक बड़ी लकीर खींच दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मारियोपोल में हुए रूस के हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बाद भी रूस हमले बंद नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस मारियोपोल को एक उदाहरण बनाना चाहता है और इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि हाल फिलहाल रूस हमले बंद करेगा। उनके मुताबिक रूस ने हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस जबरदस्ती कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया की संसद को यूक्रेन के मौजूदा हालातों की जानकारी दी। 15 मिनट के इस भाषण में उन्होंने दक्षिण कोरिया से सैन्य सहयोग देने की अपील की। जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर मिले दक्षिण कोरिया के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद किया और कहा कि रूस उनके ऊपर हमलों के लिए हर तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। उनके अनुसार रूस ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, गैर सैन्य संस्थानों को भी निशाना बनाया है। रूस के हमलों में करीब 900 शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने किसी एक शहर को नहीं बल्कि कई शहरों को निशाना बनाया है। यूक्रेन से जंग रोकने और रूसी सेना की वापसी के लिए रूस पर दबाव बनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए विश्व बिरादरी की मदद की दरकार है। बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को जहां बड़ा झटका लगा है, वही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सीबीआई ने नीरव मोदी के अहम सहयोगी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई वापस लाने में सफलता हासिल की है। सीबीआई उसे देश वापस लाने के लिए काफी लंबे वक्त से ऑपरेशन चला रही थी। जानकारी के मुताबिक 49 साल का सुभाष शंकर 2018 में नीरव मोदी के साथ भारत से भाग गया था। ये नीरव मोदी का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। सीबीआई अब सुभाष की पेशी मुंबई कोर्ट में करवा कर अपनी कस्टडी में लेगी। साल 2018 में इंटरपोल ने पीएनबी बैंक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अनुरोध पर नीरव मोदी और उसके भाई निशाल मोदी और उसके कर्मचारी सुभाष शंकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इंटरपोल ने 4 साल पहले मुंबई की एक विशेष अदालत में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र और वहां के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बता दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी से करीब 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है।
भारत सरकार उसे वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। नीरव मोदी ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए प्रतिष्ठित रिदम हाउस बिल्डिंग खरीदी थी। उसका प्लान इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदलने का था। वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।